हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्लोबल पेट्स क्लिनिक। आई एम डॉक्टर जोगिंदर यादव, हेड ऑफ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक एट रेस्क्यू सेंटर रूपनगर गुरुकुल। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है डॉग, अगर आपको कोई डॉग काट लेता है या आपका खुद का डॉग आपको काट लेता है या आप कहीं से जा रहे हो और आपको काट लिया और आप अननोन है या फिर स्ट्रेंजर की डॉग ने आपको काट लिया, आपको पता भी नहीं है उसको वैक्सीनेट हुआ है नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो। तो मैं आपको और वही बता रहा हूँ, डॉग बाइट करने पर क्या करें, नहीं रेबीज के तो लक्षण नहीं है, अगर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। तो पूरी वीडियो हमारी एंड तक देखिए और हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले बता दूँ, जैसे कि डॉग ने आपको काट लिया है तो आप उस पैलेस को जैसे कि काट लिया तो उससे थोड़ी सी ऊपर कोई अगर आपको ब्लीडिंग आ रही है तो आप कपड़ा बांध सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ब्लीडिंग को रोकने के लिए है, ठीक है। दूसरी बात आती है कि आप उस जैसे स्पॉट पे काटा है तो वहाँ को उस एरिया को क्लीन कीजिए बिल्कुल अच्छी तरह से, कम से कम 5 से 10 मिनट पानी से अच्छी तरह से उसको धोए। उसके बाद 5 से 10 मिनट धोने के बाद आप उसको बेटाडीन से क्लीन कीजिए और उसको सूखने दीजिए। अब बात आती है कि अगर ये हो गई आपकी होम ट्रीटमेंट या इमरजेंसी में जो फर्स्ट एड होता है वो, अब बात करते हैं कि डॉक्टर के पास कब कब जाए आप। तो जैसे कि होता है कि अगर आपने डॉग को काट ले तो आप वो सिम्टम नोट कीजिए कि जैसे जिस स्थान पर डॉग ने आपने जिस पैलेस पे डॉग ने आपको बाइट किया है उस स्थान को अच्छी तरह से क्लीन करना है, धोना है, सुखाना है, उसके बाद जैसे मैं बीटाडीन से क्लीन करने के बाद उसको सूखने दीजिए। फिर जैसे कि आप नोट करें कि अगर वहाँ पर स्वेलिंग आ रही है तो वहाँ पे रेबीज के सिम्टम हो सकते हैं क्योंकि डीपली वाउंड है तो स्वेलिंग तो हो सकती है। तीसरी बात होती है कि जैसे कि आप देखते हो कि फीवर हो जाता है इसमें डॉग काटने के ऊपर, जैसे रेबीज के अगर सिम्टम दिखे तो आपको हाई फीवर रहेगा, हाइड्रोफोबिया के अंदर रेबीज के अंदर हमेशा हाई फीवर होगा कि तेज़ बुखार होगा, बेचैनी होती है। उसके बाद आप आँखों को नोट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी आँखें हैं उसके अंदर रेडनेस हो जाएगी, लाल हो जाएगी और जलन महसूस होगी। अब उसके बाद जैसे कि जलन महसूस होने के बाद, तो ये सिम्टम अगर जलन महसूस के बाद देखिए और आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर वो हाई होता है और आपको लेजीनेस महसूस होती है, सुस्ती आ जाती है, आप एक जगह मतलब छुपना चाहते हो ऐसी ठंडी जगह में तो आपको सुस्ती सी महसूस होती है, तो ये लक्षण होते हैं कि हाँ भाई डॉग रेबीज इन्फेक्टेड है। तो ये लक्षण आपको दिख सकते हैं, तो इसमें देर ना कीजिए, अपने नियर बाई मेडिकल हेल्थ केयर हॉस्पिटल में जाइए और आपको वैक्सीनेट कराएं। इससे पहले आप जिस डॉग ने आपको काटा है अगर वो किसी का पालतू है, किसी का रखा हुआ डॉग है, तो आप उसके ओनर से पता कीजिए, उसके पेट पेरेंट से पता कीजिए कि उसको प्रॉपर वैक्सीनेट हुआ है नहीं हुआ है। हुआ है तो उसका एक हेल्थ कार्ड होगा। मैं सभी पेट पेरेंट से बोलना चाहता हूँ, जब भी आप अपने डॉग को वैक्सीनेट कराएं तो एक हेल्थ कार्ड ज़रूर मिलता है, वो अपने पास रखे संभाल के, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि जो नेबर होते हैं वो इस केस इसको केस एक पुलिस भी बुला लेते हैं, पुलिस केस भी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा स्ट्रिक्टली लिया जाता है। तो आप ऐसा ना करें क्योंकि रेबीज का कोई परमानेंट इलाज तो है नहीं, सभी को पता ये एक वायरस है, लेकिन कुछ लोग जो ना चाहते हुए भी ऐसा कर देते हैं परेशान करने के लिए, कुछ लोग पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। तो आप उनसे अच्छा है कि आप इनसे अच्छा है कि आप अपना एक डॉग का हेल्थ रिपोर्ट ज़रूर रखिए, उसकी वैक्सीनेट की बुक ज़रूर बनवाएं या आपके वेटनरी उपलब्ध करवा देते, वो प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ये बात होगी पेट पेरेंट्स के लिए, तो आप उसको कंफर्म कर ले कि वहाँ से हुआ, अगर हुआ है, अगर नहीं हुआ तो आप अपने ये बात अपने डॉक्टर को बताइए और जल्दी से टैटनस लगवाएं और एंटी रेबीजन लगवाएं, इससे आपकी और आपके हेल्थ, क्योंकि रेबीज कोई ऐसा नहीं है कि आप जैसे कुछ लोग कहते हैं कि भाई मुझे तो 2 साल पहले काटा था और अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि रेबीज का जो वायरस होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर कहीं पे रह गया, अगर बॉडी के किसी स्पॉट पे रह गया, किसी स्थान पे रह गया, तो 20 साल बाद भी असर दिखा दे। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि अच्छी तरह से वाउंड को, जख्म को क्लीन कीजिए, पानी से धोइए, बीटाडीन डालिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी, तो ये बातें आप ध्यान रखें। तो हमारी वीडियो कैसी आई, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ ग्लोबल पेट्स क्लिनिक को सब्सक्राइब कर लें।